Good morning, students. Let's start chapter 1 of class 7th, integers, exercise 1.1. Yesterday we had completed question number 1 of this exercise. So let's start question number 2. Question number 2 said, in a quiz, positive marks are given for the correct answers and negative marks are given for the incorrect answer. Ek quiz hui, ek competition hua, jisme jab bhi aap correct answer dete hain, to aapko positive marks milte hain. Aur jab aap incorrect answer dete hain, koi galat answer de dete hain, to aapko negative marks milte hain. If Jack's score is 5 successive rounds were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10, so what was his total at the end? Means Jack ne 5 round hue, us 5 round mein Jack ka jo score raha, first round mein 25, phir uske minus 5 aaye, phir uske minus 10, 15 and 10 marks. Kehte ki total kya raha jab aapke 5 round khatam hue, uske baad Jack ka total kya raha. To aapko pata hi hai ki 5 successive round hue, yani back to back 5 round hue, har ek mein use kuch marks mile, kisi mein positive to kisi mein negative bhi. To uska total manga gaya, to total manga jata hai jab bhi aapse, to aap usme kya karte hain, plus ka sign laga ke add karte hain. To humne kya kara, 25 plus minus 5 plus minus 10 plus 15 plus 10. यानी अब आपको पता है कि दो साइन मैंने आपको कई बार बताया एक साथ नहीं आते, इसलिए जो भी नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं उनको आप ब्रैकेट में डालते हैं. अब उसके बाद 25 plus minus minus 5 plus minus minus 10 plus 15 plus 10, यानी minus 5 and minus 10 मिलके कितना हो जाएगा आपका minus 15 and 15 plus 10 कितना हो गया 25. अब 25 plus 25 अगर आप करेंगे तो positive number को add करते हैं तो 50 आएगा. 50 में से आप 15 minus करेंगे, then you will get your answer is 35. Thus we can say the total marks of Jack in a quiz is 35. Let's start question number 3. At Srinagar, temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. अब श्रीनगर का temperature आपको बताया गया मंडे को, सुबह जो मंडे को जो उसका temperature था वो था minus 5 degrees Celsius. अब उसके बाद वो थोड़ा drop हो गया, यानी कम हो गया temperature, कम होके कितना रह गया? कम होके कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया कब? ट्यूसडे को. एंड व्हाट वाज द टेंपरेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? अब आपसे पूछा गया कि ट्यूसडे को क्योंकि 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, कम हो गया, तो ट्यूसडे को क्या टेंपरेचर रहा होगा श्रीनगर का? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकंडली सेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को इट रोज बाय, रोज जब भी बात करेगा रोज, अब रोज लिखा होगा, इट मींस वो बढ़ गया है, यानी एडिशन हो रहा है वहां पे, तो वो कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया कब? वेडनेसडे को. तो व्हाट वाज द टेंपरेचर ऑन दिस, यानी कि आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन का टेंपरेचर बताना है. अब आपको पता है कि मंडे को श्रीनगर का टेंपरेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. तो ट्यूसडे को कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस. तो -5 और कम हुआ है तो -2 करना पड़ेगा. तो -5 -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, और आ गया 7. तो आपको पता चला कि इसका टेंपरेचर कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस. माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स यहां पे किसके हैं? नेगेटिव के हैं. अब वेडनेसडे की बात करते हैं, वेडनेसडे को हमारा कितना कम हुआ है या बढ़ गया है? बढ़ गया है. रोज अप हुआ है ना, कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है टेंपरेचर. तो वेडनेसडे को टेंपरेचर क्या हुआ? ऐड हुआ है. तो -7 हो चुका है अब तक ट्यूसडे तक. तो हम 5 नहीं लेंगे, 7 लेंगे. Because -7 डिग्री लेने का रीजन इसके पीछे यही है क्योंकि हम मंडे का कंसीडर नहीं करेंगे या ट्यूसडे का कंसीडर करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे आता है, मंडे नहीं आता. अब ट्यूसडे तक टेंपरेचर कितना जा चुका है? -7 डिग्री सेल्सियस. और वेडनेसडे को कितना बढ़ा है? 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी कुछ ऐड ऑन हुआ है, इसलिए हम 4 डिग्री को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे. तो -7 प्लस 4, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है? माइनस होता है. तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस. और साइन किसका कंसीडर करेंगे? बड़े वाले नंबर का. बड़ा क्या था? 7 था. तो आपका वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना रहेगा? -3 डिग्री सेल्सियस. एंड ट्यूजडे को -7 डिग्री सेल्सियस. Start question number 4. The question number 4 said, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? कहते हैं कि एक plane है जो कि sea level, जैसे कि sea है जहाँ पे समुद्र है, समुद्र से कितना ऊंचा उड़ रहा है? 5000 मीटर के लगभग वो ऊपर उड़ रहा है, और एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्टली अगर हम मापे तो जो सबमरीन है, वो सबमरीन आपको सबको पता है कि सी के अंदर फ्लोट करती है, अंदर तैरती है. तो सबमरीन जो है एक पनडुब्बी जिसे हम बोलते हैं, वो पानी से, पानी का जो फ्लोर है वो वहां से कितना नीचे नीचे तैर रही है, फ्लोट कर रही है? 1200 मीटर. यानी कि नीचे है तो माइनस करेंगे और ऊपर है तो हम प्लस की बात कर रहे हैं.
सेड कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, एक सीधी रेखा जैसे हम खींचते हैं तो उसका डिस्टेंस बताना है, प्लेन से सबमरीन के बीच का जो एक डिस्टेंस है कितनी दूरी है प्लेन से, टोटल डिस्टेंस जो है प्लेन से लेकर सबमरीन तक का वो कितना है ये बताना। तो एज यू नो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि जो हाइट है आपकी, जो प्लेन जहाँ उड़ रहा है सी लेवल से, उसकी हाइट जितनी कितनी है 5000 मीटर्स, और वहीं आपको बता दिया गया था कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सबमरीन, तो सबमरीन कितना बिलो लेवल है, सबमरीन का कितना नीचे है सी लेवल से, सी लेवल से वो कितना नीचे है 1200 मीटर्स। सो योर स्टेटमेंट हैज़ हाइट ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल इज 5000 मीटर्स एंड फ्लोटिंग द सबमरीन बिलो द सी लेवल इज 1200 मीटर्स। अब वर्टिकल डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है प्लेन का और सबमरीन के बीच का टोटल कितना है, टोटल की बात करते हैं तो हमें वहाँ क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस प्लेन का कितना है 5000 और सबमरीन का 1200, तो टोटल करना है यानी ऐड करना है, तो 5000 प्लस 1200 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6200 मीटर्स। दस हम कह सकते हैं कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6200 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने ₹2000 जमा किए बैंक अकाउंट में, यानी एक पॉजिटिव डिजिट की बात कर रहा है, एंड विदड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट। और इतने पैसे ₹2000 जमा करने के बाद उसने एक साथ ₹642 विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करना यानी निकाल लेना, यानी निकाल भी लिए। द नेक्स्ट डे अगले ही दिन द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। वो वही कह रहा है कि जो विड्रॉल करा है अमाउंट, अगर हम उसे नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अब निकालने को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जब डिपॉजिट कर रहे हैं यानी पैसा डाल रहे हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसके जस्ट ऑपोजिट से, यानी प्लस के साइन से। तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो अब आपने ये बताना है कि लास्ट में जब उसने पैसा डालने के बाद पैसा निकाल भी लिया, तो अब उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा, यानी जब बचने की बात करते हैं, शेष की बात करते हैं, रिमेनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब क्या कितना डिपॉजिट करता है, योर डिपॉजिटेड अमाउंट इज ₹2000, विड्रॉल अमाउंट इज ₹1642। ठीक है, अब ₹2000 में से 1642 निकाल लिए उसने, अब 1642 जो उसने निकाले उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब 2000 में से 1642 आप माइनस करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, ₹358। मोहन अकाउंट इज ₹350। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सेड रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता कहती है कि ईस्ट से, अगर पूर्व दिशा से रीता गई है पॉइंट ए से बी की तरफ, तो यानी कि पूर्व दिशा कौन सी, जहाँ से सूर्य निकलता है, यानी ईस्ट बोलते हैं उसे इंग्लिश में, 20 किलोमीटर। कहती है फिर फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर। अब बी से वापस वो 30 किलोमीटर जा रही है वेस्ट की तरफ, यानी मुड़ गई वापस, बैक कर गई अलॉन्ग द सेम रोड। इफ़ द, वो कहती है सेम ही रोड उसने फॉलो करा, रोड नहीं चेंज करा। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। जब वो ईस्ट की तरफ जाती है तो वो सारे इंटीजर आपके कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, रिप्रेजेंट करो। अब वो कहती है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। और जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव, और अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट, तो कौन से इंटीजर हो जाएंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स नेगेटिव इंटीजर्स। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड द वेस्ट इज विद द नेगेटिव इंटीजर। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेड हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब वो बोलता है कि उसकी फाइनल पोजिशन बताएं ए से। तो हमें पता है डिस्टेंस उसने ए से बी गई पहले 20 किलोमीटर, फिर बी से सी गई 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने पूछा है। अब देखो ए से वो वापस ऑपोजिट भी तो गई थी, तो कितना डिस्टेंस उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो 20 में से 30, यानी पहले 20 गई फिर वापस 30 गई, वापस गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव इंटीजर से शो करना था ना, तो 20 माइनस 30 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। और उसे नेगेटिव इंटीजर क्यों करा, हमने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम कौन सा कंसीडर करते हैं, अपनी ग्रेटर डिजिट का साइन कंसीडर करते हैं। तो आपका क्या आ गया ये -10 किलोमीटर। दस रीता इज एट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर।
Question number 7. In a magic square, each row and column and diagonals have the same sum. अब सबसे पहले you have to know what is row, what is column. Row आपके जब भी हम row की बात करेंगे तो हम इस तरीके से सीधे चल रहे हैं horizontal way में. जब भी हम columns की बात करेंगे तो हम vertical way की बात करेंगे. ये आपके होते हैं columns. ठीक है, इतना clear होगा. Diagonals की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं टेढ़ी रेखा की, यानी यहां से और यहां से हमारी रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी. अब वो कहता है कि एक मैजिक स्क्वायर है आपके सामने, इसके साथ में आपकी हर एक कॉलम में, हर एक रो में, हर एक कॉलम में और हर एक डायगोनल को जैसे भी आप कैसे भी करके ऐड या सबट्रैक्ट आप सम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सिमिलर आएगा. अब वो कहता है चेक कीजिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. अब आपको काफी सारे इसमें पार्ट्स आएंगे तो आपको बता रहे कि कौन सा इसमें मैजिक स्क्वायर है. सोल्यूशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग फर्स्ट रो. अब सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं. जैसे जैसे इसके साइन है आपको वैसे वैसे इसमें करते चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ एडिशन करेंगे तो सेम एज फाइव. फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस वन. एज आई सेड बिफोर इन द क्वेश्चन कि भैया दो साइन एक साथ नहीं लगाने, इसलिए एक आपको एक साइन को आपको ब्रैकेट में डालना है. तो आपने माइनस वन को ब्रैकेट में डाला. नेक्स्ट अगेन क्योंकि सम की बात कर रहे थे प्लस का साइन आया, फिर माइनस फोर आ गया. नाउ स्टार्ट प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस. ये रूल सबको याद हो जाना चाहिए. अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, दो साइन एक साथ हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है. तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइव माइनस फाइव, एंड फाइव माइनस फाइव गिव्स यू जीरो. अब हम सेकेंड रो पे चलते हैं. सेकेंड रो में भी है माइनस फाइव, अगेन क्योंकि सम था प्लस माइनस टू, फिर से ब्रैकेट में क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते, प्लस सेवन. फिर से हम करेंगे, अगर हम यहां देखें प्लस माइनस आपका मिलके क्या बन रहा है, माइनस माइनस फाइव माइनस टू प्लस सेवन. माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. माइनस फाइव माइनस टू मिलके क्या बन गया आपका, क्योंकि करना प्लस था, बेशक साइन आपका माइनस था, आया माइनस सेवन. फिर प्लस सेवन, इट ऑल्सो गिव्स यू जीरो. इन द थर्ड रो व्हाट वी सी, जीरो प्लस थ्री प्लस अगेन माइनस थ्री. फिर से ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते. जीरो प्लस थ्री एंड प्लस माइनस माइनस थ्री. अगर आप देखें जीरो प्लस थ्री आपका क्या देगा, थ्री देगा. एंड प्लस माइनस माइनस थ्री आ गया, थ्री माइनस थ्री ऑल्सो गिव्स यू जीरो. अगर हमने रो में देखा सबका आंसर क्या आ रहा है, जीरो जीरो जीरो, यानी आंसर अभी तक सिमिलर आ रहा है. एज द क्वेश्चन सेट बिफोर, कॉलम की बात कर रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में. तो फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें तो फाइव प्लस माइनस फाइव प्लस जीरो. अब फिर से इसको ब्रैकेट में क्यों डाला, मैं बार बार बता रही हूं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते. प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा. एंड ये फाइव प्लस जीरो गिव्स यू फाइव अगेन. फाइव माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो. अभी तक आंसर हमारा क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है. एज इन द रो सेम इन द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं, माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस थ्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री. तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या आ जाएगा, थ्री. और साइन किसका आता है, बड़े वाले का. माइनस थ्री प्लस थ्री अगेन प्लस माइनस माइनस, तो थ्री में से थ्री माइनस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर अगेन जीरो. सेम इन द थर्ड कॉलम, माइनस फोर प्लस सेवन प्लस माइनस थ्री. सेम, दोनों साइन एक साथ नहीं लगाए इसलिए एक को ब्रैकेट में डाला. फोर माइनस फोर प्लस सेवन प्लस माइनस माइनस थ्री. अब आया आपका, अगर हम माइनस माइनस के डिजिट्स को साथ में लेके चले तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया. एंड योर आंसर विल बी माइनस सेवन प्लस सेवन गिव्स यू अगेन प्लस माइनस माइनस सेवन. माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो. अभी तक अगर हमने बात करी थी रो एंड कॉलम दोनों की, अगर हमने देखे सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में अभी तक जीरो आए हैं, यानी कि अभी तक तो हमारा क्वेश्चन इसके मैजिक स्क्वायर के हिसाब से जा रहा है. अब हम बात कर रहे हैं डायगोनल्स की, यानी हम टेढ़ी तिरछी रेखाओं की तरह हम बात करेंगे. अब हम क्या ले रहे हैं, फाइव प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री. अब इसमें देखिए प्लस माइनस गिव्स यू माइनस टू, अगेन प्लस माइनस गिव्स यू माइनस थ्री. फाइव माइनस टू अगर आप करें, या आप ये भी कर सकते हैं, माइनस टू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस माइनस फाइव. फाइव माइनस फाइव अगेन गिव्स यू जीरो. यानी अभी तक तो आंसर हमारा सही आ रहा है. अगर हम सेकंड डायगोनल की बात करें, अब हम यहां से चलते हैं, माइनस फोर प्लस माइनस टू प्लस जीरो, व्हाट इट गिव्स यू, प्लस माइनस माइनस टू. माइनस फोर माइनस टू माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस. तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स. सिक्स को आप जीरो में एड करोगे तो भी आपके पास सिक्स आएगा, बट साइन किसका फॉरवर्ड होगा, बड़े वाले का, आ गया माइनस सिक्स. अभी तक आपके सारे आपके मैच हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका आंसर लाए नहीं करा, यानी कि दिस इज नॉट योर मैजिक स्क्वायर. सो दैट वी कैन से दिस बॉक्स इज नॉट द मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट.